तो चलो प्यारे बच्चों, इसका जो पार्ट टू है वो करते हैं। पार्ट टू इस क्वेश्चन को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था क्योंकि समझने में आसानी होती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो पहला जो पार्ट है, वर्क डन इन्फिनिटी से लाने में और इंट्रक्शन एनर्जी निकाल लिए थे। दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि मास ऑफ ए पॉइंट डिस्टेंस एम फ्रॉम लोकेटेड स्ट्रेट लाइन ए डिस्टेंस ए फ्रॉम इच अदर, ऑल्सो फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, एक मास है वो यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो उसके बीच हमें पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है और साथ साथ इनके बीच लगने वाले फोर्स की भी वैल्यू निकालनी है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, चलो पार्ट टू करते हैं। कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट मास m, लेंथ एल, दे आर लोकेटेड इन स्ट्रेट लाइन ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ऐसा कुछ है। तो चलो बी पार्ट, एक रॉड है, ये रॉड है और इस रॉड की बेसिकली जो लेंथ है वो कुछ नहीं, बेसिकली ये रॉड है और इस रॉड की लेंथ अपन को दे दिया हुआ है एल, ठीक है। और इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ पर ए डिस्टेंस पर, इस रॉड से यहाँ पर एक पॉइंट मास है यार, दिस इज अ पॉइंट मास। ये जो पॉइंट मास है वो बेसिकली यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हमें कैलकुलेशन करनी। ये मास एम है, ये कैपिटल एम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से इस ए, ये जो स्मॉल मास है, इससे मैं एक्स डिस्टेंस पे आके यहाँ पर एक छोटा सा मास डी एम ले लेता हूँ जिसमें डी एक्स मास आया होगा। अब ये जो डी एम है वो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट मास है, तो इस डी एम और इस ये पॉइंट मास है, ये जो डी एम है डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट हो गया, अराउंड पॉइंट मास नहीं था यार। तो इसके भी जो पोटेंशियल एनर्जी यू है माइनस जी डी एम और एम पॉइंट मास का ओवर एक्स का एक्स पोटेंशियल एनर्जी, देखो दो पॉइंट में ये एक्स इस डी एम और इस पॉइंट, अब ये छोटे छोटे डी एम से मिल के बना हुआ है, ये पूरा रॉड छोटे छोटे डी एम से मिल के बना हुआ, दिस इज डी एम, दिस इज डी एम। तो अब मैं क्या करूँ कि इनको एड कर दूँ, मतलब कलेक्ट कर लूँ, इंटीग्रेट कर लूँ, कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा, पहले डी एम कैलकुलेट करो। डी एम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, तो डी एम कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका क्या है भाई, तो डीएम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड मैं एल लेता हूँ और मल्टीप्लाइड बाय उस छोटू से लेंथ डी एक्स, दिस इज द डीएम। तो इस डीएम को यहाँ रखोगे तो माइनस जी एम और एक्स डीएम, तो कैपिटल मास एम पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। तो अच्छे से इसको रीअरेंजमेंट करोगे तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी जो डी यू दिखेगी, डी यू ओ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल, और यहाँ बचा वन अपन एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करना है। तो प्रॉपर लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक्स की लिमिट, एक्स कहाँ से कहाँ तक लिए थे एक बार देखो यहाँ से, तो एक्स की यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू जीरो था, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू, रॉड अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू ए हो गया और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए प्लस एल हो गया भाई, तो ए इधर हो गया, तो फाइनली जो लिमिट जा रहा है वो एक्स इज इक्वल टू ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो टू, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एल पर पोटेंशियल एनर्जी यू थी और इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से यू इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर एल, और ये इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल लॉग एक्स और लिमिट गया ए से ए प्लस एल तक फाइनली, तो
तो इसका है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल, और यहाँ आ जाएगा लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए, तो ये यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल, और यहाँ से आ जाएगा लॉग ए प्लस एल अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर देखोगे तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल और यहाँ से लॉग ए, तो 1 प्लस एल अपॉन ए, तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। माइनस साइन लगा दो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडी। तो ये जो एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है यही पार्ट टू का इसका सोल्यूशन है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा कई बार वीडियो देखो, और कमेंट करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।